एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी एंटार्क्टिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे एंटार्क्टिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता के पूरे एंटार्क्टिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है, और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को एंटार्क्टिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात यह थी कि एंटार्क्टिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थीं, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशियंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थीं। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं, तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान एंटार्क्टिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटियोराइट्स में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मीटियोराइट्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में एंटार्क्टिका पर गिरने वाला एक छोटा मीटियोराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मीटियोराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, एंटार्क्टिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है, लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोजासोर्स और प्लेजियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक एंटार्क्टिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हम सबने कई बार देखे हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था।
जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 times ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 3, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह है तो वो भी एंटार्क्टिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली एंटार्क्टिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहां पर पिछले 20 लाख सालों से एक मर्तबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज तरीन हवाओं का राज है, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहां मौजूद पानी का कतरा कतरा एवोपरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर्स में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले एंटार्क्टिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरतअंगेज तौर पे इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पे आया कहां से था। उम्मीद है ZMTV की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कॉमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।